रेल मंडल वरिष्ठ प्रबंधक वाणिज्य प्रियंका दीक्षित आज गुना पहुंची, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही गुना रेलवे स्टेशन के विकास की रूपरेखा भी पत्रकारों को बताई। उन्होंने कहा कि अब गुना रेलवे स्टेशन पर लोकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे। कहा कि गुना में संचालित एनजीओ रेलवे प्रबंधन से संपर्क कर अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता सकते हैं और शुल्क जमा कर अपना प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन पर बेच सकते हैं। वहीं यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्यों के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया। माननीय रेल मंत्री जी का एक उन्होंने घोषणा की है कि हर स्टेशन पे वहाँ से लोकल के जो भी उत्पाद हैं उनको लगाने के लिए जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या एनजीओस हैं या इस तरह की कोई भी संस्था है जिसके पास वीवर कार्ड है या इस तरह का जो कि राज्य शासन उनको देता है, वो एप्लीकेशन के साथ हमारे स्टेशन मास्टर के पास आ सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल शुल्क होता है 500 रुपये का, उसके साथ उनको स्टेशन पर उनका स्टॉल लगाने की परमिशन मिल जाएगी। बस उसके कंडीशंस यही हैं कि वो जो समाजसेवी संस्था से जुड़ा हुआ हो, एनजीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो कोई पर्सन, या खुद वो चीज़ वो बनाता हो, और दूसरा लोकल प्रोडक्ट होना चाहिए कि यहाँ का, ताकि उसको बढ़ावा मिले और साथ ही उसको पहचान मिले। जी मैम बता, यहाँ पर जहाँ हमारे गुना स्टेशन में हमेशा मांग रहती थी कि कोच गाइडेंस सिस्टम होना चाहिए, यात्रियों को उससे सहूलियत होती है, तो ये कार्य सैंक्शन हो चुका है, टेंडरिंग प्रोसेस में चल रही है और जल्द ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। इसके साथ ही हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 में एडिशनल और जो शेड होते हैं जिनको हम COPs बेस बोलते हैं, हम उसको भी और प्रस्तावित करेंगे कि जहाँ पर अभी देखा है कि उस एंड की तरफ कम है तो हम वहाँ पे और प्रस्तावित करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ हमने देखा है कि उसका जो लेवल है वो रिलेटिवली इधर की तरफ से कम है, तो हमारा अगला प्रस्ताव ये रहेगा कि हम उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन कर दें और बाहर सर्कुलेटिंग एरिया अभी भी काफ़ी अच्छा है, उस पर और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें एक जॉइंट सर्वे आज हमने इंजीनियर्स के साथ किया। यहाँ पर हमारे साथ हमारे साथी इंजीनियर ऑफिसर भी आए थे, तो उसमें आगे और क्या किस तरह से उसका हम वर्कआउट करेंगे। हमारे पास ये सारे कार्य जो हैं ये हम जो सैंक्शन हो चुके हैं ये वो कार्य। COP हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ और प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि उधर भी COP की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है शेड की, जिससे कि यात्रियों को किसी भी सीज़न में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना। मैम दिव्यांग के लिए FOB देखते हैं कि अभी FOB में क्या प्रोविज़न आया है, तो उसमें क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई सैंक्शनड वर्क नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसमें ज़रूर इस आपके विचार को रखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर प्रपोजल्स बनाए जाएंगे। विंडो खिड़की पे भी देखा जाता है काफ़ी भीड़ रहती है ट्रेन के समय पे और टिकट सही समय पे नहीं मिल पाता। कौन सी UTS या PRS? नहीं जी बाहर वाली रहती है ना, उस पर या तो 2 चालू रहती हैं एमरजेंसी में, एक आध और या तो उस प्लेटफॉर्म पे हो जाए। उस प्लेटफॉर्म की तरफ तो अभी कहीं बुकिंग ऑफिस है नहीं, इधर देखते हैं आप जैसा बता रहे हैं इसको एनालाइज करवा लिया जाएगा, क्योंकि स्टाफ यहाँ पे काफ़ी हमारा पोस्टेड है, अब उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर पाते हैं और आपकी इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। और भी क्या क्या सुविधाएं आएंगी मैम यात्रियों के लिए, क्या सोचा है? मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज एक पैरामीटर होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी हैं। अभी गर्मी चल रही है और जो सुविधाएं हमें कमी लग रही है कि हमें लगता है कि बेसिक मिनिमम सुविधाएं सारी हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर अब हम सोचना शुरू कर रहे हैं कि उसके ऊपर अब हम और क्या कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने अपना जो COPs मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों पे हम कवर और शेड्स जो हैं वो और प्लान करेंगे और हम उसको जैसे ही हमारा फंड अवेलेबिलिटी होगी सैंक्शन होंगे तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बाहर हम सोच रहे हैं कि हमने अपने मंडल में अभी भोपाल में उटारसी में रेल कोच रेस्टोरेंट किया है, भोपाल में फंक्शनल भी हो चुका है, उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली है, नया कॉन्सेप्ट है। भारतीय रेलवे में कई डिविजन्स में ये हो रहा है, तो गुना स्टेशन में भी यहाँ पे बाहर हमें पता चला कि यहाँ पर भी उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर भी जल्द से जल्द उसको निविदा अपलोड करके, और इंटरेस्टेड अगर कोई पार्टीज हैं आपके माध्यम से सुन रही हो यदि इसमें इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आए, हम इसको यहाँ पर भी एग्जीक्यूट जरूर कराएंगे।